नमस्कार, वेब दुनिया की अजीबोगरीब खबरों की दुनिया में एक बार से फिर आपका स्वागत है। और देखते हैं आज हम एक ऐसा अनूठा मंदिर जहां मर्द पहनते हैं जनाने कपड़े, जहां धर्म को लेकर हमारे देश में जहां तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। देश में बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिनमें महिलाओं के प्रवेश पर रोक होती है, लेकिन ये मंदिर देश भर में इस तरह के लिए जाना जाता है कि यहां प्रवेश करने के लिए और पूजा करने के लिए इच्छुक पुरुषों को बाकायदा महिलाओं की ड्रेस में आना पड़ता है। इस मंदिर में पूजा करने के लिए महिलाओं किन्नरों पर कोई रोक नहीं है, लेकिन पुरुष अगर इस मंदिर में पूजा अर्चना करना चाहता है तो उसे महिलाओं की तरह पूरा 16 श्रृंगार करना पड़ता है। यह खास मंदिर केरल के कोल्लम जिले में है, जहाँ पर श्री कोत्तानकुल्लगरा देवी मंदिर में हर साल चामविलुक्कु त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में हर साल हजारों की संख्या में पुरुष श्रद्धालु आते हैं। उनके तैयार होने के लिए मंदिर में अलग से मेकअप रूम भी बनाया गया है। पुरुष महिलाओं की तरह ही न केवल साड़ी पहनते बल्कि ज्वेलरी, मेकअप और बालों में गजरा भी लगाते हैं। इस उत्सव में शामिल होने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। यही नहीं, ट्रांसजेंडर भी इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में देवी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। अपनी खास परंपरा के लिए दुनिया भर में मशहूर इस मंदिर के ऊपर कोई छत नहीं। इस राज्य का यह एकमात्र मंदिर है जिसके गर्भगृह के ऊपर छत या कलश नहीं है। ऐसी मान्यता है कि कुछ चरवाहों ने महिलाओं के कपड़े पहनकर पत्थर पर फूल चढ़ाए थे, जिसके बाद से उस पत्थर से दिव्य शक्ति निकलने लगी। इसके बाद इसे मंदिर का रूप दे दिया गया। एक मान्यता ये भी है कि कुछ लोग पत्थर पर नारियल फोड़ रहे थे और इसी दौरान पत्थर से खून निकलने लग गया, जिसके बाद से यहाँ देवी की पूजा होने लगी।